नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अमेरिकी सीईओ बोले, मोदी ने सुधार किए, हमें और चाहिए। शीर्ष अमेरिकी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कहा है कि पिछले साल सत्ता में आने के बाद से मोदी ने कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधार किए हैं, लेकिन अभी और सुधार किए जाने की जरूरत है। मोदी ने एक साल में अपने दूसरे अमेरिकी दौरे की शुरुआत जेपी मॉर्गन तथा ब्लैकस्टोन सहित यहाँ की शीर्ष 10 प्रख्यात कंपनियों में से 8 के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने उन प्रयासों के बारे में बताया जो अवसंरचना जैसे मुख्य क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के लिए पिछले 15 माह में किए गए। मुलाकात के बाद कुछ मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने कहा कि सुधारों की प्रगति से वह संतुष्ट है। हज भगदड़ में 14 भारतीयों की मौत। सऊदी अरब के मक्का शहर में मीना में हज यात्रियों की भगदड़ में 14 भारतीय हजियों की मौत हो गई और 13 घायल हो गए। भारतीय हज मिशन से प्राप्त सूचना के अनुसार मृतकों में 9 गुजरात, 2 तमिलनाडु, 2 झारखंड और 1 महाराष्ट्र के हज यात्री है। घायलों में लक्षद्वीप, असम, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, बिहार, ओडिशा, केरल और उत्तर प्रदेश के 1-1 हाजी, जबकि पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर के 2-2 हाजी शामिल है। सऊदी अरब में सालाना हज यात्रा के दौरान मीना में गुरुवार को शैतान को पत्थर मारने की रस्म के समय मची भगदड़ में 717 लोगों की मौत हो गई और 800 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। अतिक्रमण कर बनाया आसाराम आश्रम, 17 करोड़ का जुर्माना। सूरत के जिलाधिकारी ने एक नोटिस देकर विवादास्पद प्रवचनकर्ता आसाराम के जागीरपुरा स्थित आश्रम के प्रबंधन से 17 करोड़ रुपए की मांग की है। उससे इस राशि की मांग 14 साल से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने को लेकर की गई है। जिलाधिकारी राजेंद्र कुमार ने कहा कि हमने आश्रम प्रबंधन से आश्रम के निकट सरकारी भूखंड पर अतिक्रमण के लिए कब्जा शुल्क के तौर पर 17 करोड़ रुपए की मांग की है। आश्रम ने कथित तौर पर 34,400 वर्ग मीटर भूमि पर कब्जा किया था। सरकार ने 2010 में इस भूमि से कब्जा वापस लिया।